नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी में आपके साथ रचना सिंह। चलिए रुक करते हैं स्वर्ग की यह खबरों की। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे पार्टी से नाराज शिवसेना विधायकों के साथ चार्ट फ्लाइट के जरिए सूरत से रवाना हुए। जी आपको बता दें कि फ्लाइट में चढ़ने से पहले एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना के विधायकों ने पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं की है, लेकिन उनकी एकमात्र इच्छा विपक्षी बीजेपी के साथ गठबंधन करना है। वहीं सूरत एयरपोर्ट पर शिंदे ने कहा कि मैं और शिवसेना के विधायक चाहते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाए। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, शिंदे ने कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि जय महाराष्ट्र और गर्व से कहो कि हिंदू है कि नारे भी लगाए। आपको बता दें कि शिंदे ने कहा कि शिवसेना के विधायकों को पार्टी के संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे द्वारा निर्धारित विचारधारा पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के विधायकों ने पार्टी के खिलाफ कोई बगावत नहीं की है। सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद बीते मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराए गए शिवसेना विधायक नितिन देशमुख को स्पाइस जेट एयरलाइन के बोर्डिंग काउंटर पर जाते हुए देखा गया था। सूत्रों के मुताबिक बाकी विधायकों की संख्या 37 पहुँच गई है। वहीं 2 से 3 और विधायक बुधवार को यानी कि आज सीधे गुवाहाटी में पहुंचे। आपको बता दें कि शिवसेना के बागी विधायकों को पुलिस सुरक्षा घेरे में सूरत एयरपोर्ट तक ले गई। वहीं सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद शिवसेना के बागी विधायक 200 यात्रियों की क्षमता वाले विमान में सवार हो गए थे। आपको बताते चले कि बुधवार की सुबह यानी कि आज सुबह 4 बजे तक बोर्डिंग की प्रक्रिया चल रही थी। वहीं बीजेपी से शिंदे के साथ हुई बातचीत के आधार पर सूत्र ने जानकारी दी कि शिंदे अपने गुट को असली शिवसेना बताएंगे और राज्यपाल को पत्र सौंपेंगे। बताया जा रहा है कि पत्र पर सभी समर्थक विधायकों से हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। वहीं शिंदे की सहायता से बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष अपना बनवाएंगे। इसके बाद उद्धव का इस्तीफा मांगा जाएगा, हालांकि फिर विश्वास मत साबित कराने की मांग भी की जाएगी। हालांकि बीजेपी का दावा है कि यदि विश्वास मत साबित करने की नौबत आती है तो कांग्रेस और एनसीपी के भी कुछ विधायक ठाकरे के विरोध में मतदान करेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर। नमस्कार।